पासवर्ड वचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि आप अपने मोबाइल के ब्लूटूथ बटन से आप क्या करते होंगे। दोस्तों आपके दिमाग में एक ही चीज चलता होगा कि यार मोबाइल के ब्लूटूथ से सिर्फ और सिर्फ मैं फाइल को ट्रांसफर करता हूं या वायरलेस एयरफोन लगा करके मैं गाने वगैरह सुनता हूं ब्लूटूथ से, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता और ना कुछ भी करता हूं। लेकिन आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर जो ब्लूटूथ बटन है ना, उसके अंदर तीन ऐसी खुफिया राज छुपा हुआ है। यदि आप इसके बारे में जान लेते ना तो काफी ज्यादा चौंक जाएंगे, क्योंकि जब मैंने ये तीनों खुफिया राज के बारे में ब्लूटूथ के अंदर देखा ना, तो जब मैं हैरान हो सकता हूं, जब मैं चौंक सकता हूं, तो आप देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाएंगे। आप मेरे कमेंट के अंदर बोलेंगे कि काश मुझे पहले पता होना चाहिए था। दोस्तों यदि जानना चाहते कि मोबाइल के अंदर जो ब्लूटूथ बटन होता है उसके अंदर तीन ऐसी खुफिया राज कौन सी है, यदि आप जानना चाहते ना तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ अलग सीखने को मिलेगा जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया मोबाइल के ब्लूटूथ के बारे में। यदि दोस्तों जानना चाहते तो वीडियो को देखते रहे। तो चलिए मैं आपको फटाफट इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम सितारे और आप देख रहे हो गटोगा YouTube चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा मोबाइल फोन, और चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपके मोबाइल के अंदर जो ब्लूटूथ बटन है ना, इसके अंदर तीन ऐसी खुफिया राज कौन सी छुपा हुआ है, इससे क्या क्या फायदे होने वाली है, यदि आप इसके बारे में जानना चाहते सबसे पहले, तो उससे पहले क्या कीजिए, इस वीडियो को ना सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक, जो बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों आज का वीडियो को लाइक का टारगेट 10,000 पूरा कर दीजिएगा, और ये जो लाल वाला बटन है क्लिक करिए, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और दोस्तों नीचे जाएंगे ना, तो नीचे जाने के बाद एक छोटी सी कमेंट करना होगा, यहां पे आपको ब्लूटूथ ट्रिक लिखना होगा कमेंट के अंदर और सेंड कर दीजिए, सभी को कमेंट लिखना होगा। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद मैं आपको सबसे पहला खुफिया राज के बारे में बता देता हूं, जो आपके मोबाइल के जो ब्लूटूथ बटन है ना उसके अंदर छुपा हुआ है। यदि आप ये सेटिंग को ऑन करके रखेंगे ना तो आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो वो सेटिंग कौन सी है, सबसे पहले फोन डायलर में जाए और यहाँ पे आपको सेटिंग में जाए, यहाँ पे ऑटो आंसर आपको क्लिक लिखा होगा, तो यहाँ पे आपको ये सेटिंग ऑन होगा। यानी कि दोस्तों आपको क्या होता है कि ये सेटिंग ऑन करके रखेंगे ना तो आपको काफी ज्यादा नुकसान होगा और काफी ज्यादा शर्मिंदा भी होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये सेटिंग से क्या फायदे होंगे कि यदि आप अपने मोबाइल के जो ब्लूटूथ है और आप अपने घर के जो स्पीकर है ना उससे आप कनेक्ट करके रखे हुए, या कभी आप सफर में जाते और आपके गाड़ी में जो है ना कार में लगा हुआ ब्लूटूथ स्पीकर आप अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से जो है ना आप कनेक्ट करके गाना वगैरह सुनते हैं, तो उसी टाइम क्या होता है कि आपकी जो फ्रेंड है या आपकी गर्लफ्रेंड है उस टाइम आपको कॉल करता है ना, तो क्या होगा कि ये सेटिंग ऑन करके रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक जो है ना 3 सेकंड के बाद जो है ना आपका कॉल रिसीव हो जाएगा और वो स्पीकर में जो है ना सभी लोग जो है ना सुनने लगेगा, और आपको जो है ना काफी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा और काफी ज्यादा डांट भी पड़ेगा कि यार इस किसका कॉल था किसका कॉल नहीं था। जी हाँ, तो ये चीज आपको काफी ज्यादा सवाल जवाब होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, ये सेटिंग को बंद कर देंगे ना, तो बंद करने के बाद क्या होगा कि जो भी कॉल आएगा ना तो ऑटोमेटिक रिसीव नहीं होगा, तो इससे आप बच सकते, जो बहुत ही कमाल की सेटिंग है। तो चलिए मैं आपको दूसरा खुफिया राज के बारे में बता देता हूं जो आपके मोबाइल के ब्लूटूथ के अंदर छुपा हुआ है। तो सबसे पहले आप इसे होल्ड करेंगे ना तो आपको ब्लूटूथ के सेटिंग के अंदर जाएंगे, तो जैसे सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहां पे वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है ना मेरे को कनेक्ट है। यानी कि दोस्तों आप अपने मोबाइल के जो अब अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से आप घर के जो स्पीकर होते हैं ना उससे आप गाना सुनते हैं, उसके साथ ही साथ दोस्तों आप कभी सफर में जाते हैं और गाड़ी में जो स्पीकर है उससे भी आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके गाना वगैरह सुनते रहते हैं, और कभी ना कभी तो आपके मोबाइल में जो है ना कॉल आने लगता है आपके फ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड को, और आप अचानक जो है ना कॉल को रिसीव कर लेते हैं। तो जैसे कॉल रिसीव करेंगे तो आपको पता नहीं था कि आपके मोबाइल के जो एयर पीस में ऑडियो कॉल आएगा कॉल का, वो आपको नहीं पता होता, आप बिंदास जो है ना कॉल को रिसीव कर लेते हैं, लेकिन जो है ना वो कॉल का आवाज जो है ना आपके घर के जो अंदर जो स्पीकर है ना जो कनेक्ट होगा ना उसके अंदर सुनाई देता है, और कभी कभी गाड़ी में भी रहता है ना कॉल आने लगता है तो उसमें भी आपको सुनाई देगा, तो आप इससे क्या ना काफी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा और आपको डांट भी पड़ेगा कि किसका कॉल आता है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना होगा, गलती करना नहीं होगा, आप जो भी ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा ना आई बटन पे जाना होगा, जैसे जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग ऑन होता है फोन ऑडियो, तो आपको ये सेटिंग को बंद कर लेना होगा। जी हाँ, तो जैसे बंद करेंगे ना तो आपको क्या होगा कि आप कभी भी भूल भी जाएंगे ना तो जैसे कॉल रिसीव करेंगे ना तो ब्लूटूथ जो स्पीकर में कनेक्ट होगा ना उसमें आवाज नहीं आएगा, कॉल वाला आवाज नहीं होगा, सिर्फ सिर्फ आपके मोबाइल के जो एयर पीस है ना इसके अंदर कॉल का आवाज आएगा, तो इससे आप बच सकते हैं, और कोई भी बंदा जो है ना आपका कॉल को प्राइवेसी को कोई भी नहीं सुन पाएगा, तो इससे बच सकते हैं जो आप लोगों को पता नहीं था। तो चलिए मैं आपको लास्ट और आखिरी सेटिंग के बारे में बता देता हूं खुफिया राज के बारे में जो ब्लूटूथ के अंदर छुपा हुआ है। जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल कि आपके घर में जो स्पीकर है गाड़ी में स्पीकर है और स्पीकर का ब्लूटूथ ऑन है, ठीक है, मोबाइल के अंदर भी ब्लूटूथ ऑन है, और कभी कभी जो है ना कॉल पे बातें करने लगते हैं अपने फ्रेंड या अपने गर्लफ्रेंड से बातें करते हैं और घर में एंट्री लेते हैं ना,
तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपकी जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको टच करने की कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो जो ना कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे कनेक्ट होने के बाद अचानक जो ना कॉल का आवाज उसमें आने लगेगा स्पीकर में, तो इससे क्या होगा कि आपके घर वाले भी सुन लगेगा कि किसका कॉल था, डांट पड़ने लगेगा। लेकिन आपको क्या होगा कि यहाँ पे अदर डिवाइस होगा ना, इस पर क्लिक करके बंद कर लेना होगा, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट करने वाला ये सेटिंग है। तो आप ये सेटिंग को बंद कर लेंगे ना, तो जैसे सेटिंग को बंद करेंगे ना, तो आपका जो है ना ऑटोमेटिक जो है ना आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ना तो आपको ब्लूटूथ मोबाइल के अंदर जो ब्लूटूथ है वो अनेबल हो जाता है, तो आप ये से बंद कर देंगे ना तो ब्लूटूथ मोबाइल के अंदर ऑन भी रहेगा ना तो कनेक्ट नहीं होगा ऑटोमेटिक, जिससे कि आपको जो है ना ये सब चीज बच सकते हैं और आपको जो है ना काफी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, इससे आप काफी ज्यादा बच सकते हैं। तो है ना बहुत ही कमाल के 3 खुफिया राज जो आपके मोबाइल के ब्लूटूथ के अंदर छुपा हुआ है लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा। तो आज का वीडियो काफी जबरदस्त बहुत ही कमाल के लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।